नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की जानसर तहसील मुख्यालय के सामने स्थित जिला पंचायत की गौशाला में राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर में मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा 22 जुलाई से आगामी 15 अगस्त तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण किया गया, जिसमें भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने बताया कि जिला पंचायत द्वारा जानसर तहसील क्षेत्र के गाँव खाईखेड़ा में जानसर नगर सहित पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में पौधारोपण कार्य चल रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ब्रजेश रस्तोगी, जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम तय किया गया, जिसमें जिला पंचायत मुजफ्फरनगर ने भी जिला पंचायत के माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए आज हम लोगों ने अपने जो जहाँ जहाँ भी जिला पंचायत की जमीनें खाली पड़ी हुई हैं वहाँ और जो जो भी जिला पंचायत के गौशालाएँ हैं उनमें वृक्षारोपण लगाने का लक्ष्य रखा गया। उसी लक्ष्य के तहत आज हम लोग खाईखेड़ा में जो जिला पंचायत है और दूसरी यहाँ जानसद में है, उसके बाद फिर जो हमारे जनपद में अन्य गौशालाएँ हैं उनमें वृक्षारोपण का कार्य। जानसठ में भी आज हम लोगों ने यहाँ गौशाला में वृक्षारोपण का सांख्यिकी एक कार्यक्रम रखा, जिसमें भी 30-40 पेड़ यहाँ लगे और बड़े स्तर पर हमने अपना एक लक्ष्य रखा हुआ। जहाँ जाएं भी हमारी जिला पंचायत की जमीनें हैं जो हमने लीज पर दी हुई हैं, खेती करने के लिए दी हुई हैं, चारा बोने के लिए दी हुई हैं, उनकी मेड़ों पर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।